बेटा हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में या फाइनेंशियल अकाउंट में, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज या अकाउंट्स ऑफ बिजनेस रिक्विजिशन, सम्स वाले पेजेस। ये जीएलएस यूनिवर्सिटी का इलस्ट्रेशन 3 है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। सिमी एंड सनी आर इक्वल पार्टनर्स हु डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस टू न्यूली स्टार्टेड कंपनी ऑन 1/4/19। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पे, कैपिटल सिमी और सनी का दिया हुआ है 40,000, 30,000। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फंड फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है। एसेट साइड पे बिल्डिंग, मशीनरी, डेटा, स्टॉक, कैश एंड कैश ऑन हैंड, टोटल 1,26,000। द कंपनी टोक ओवर एसेट्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस। मतलब लाइबिलिटीज के बारे में अभी तक कुछ भी बताया हुआ नहीं है। एसेट्स टोक ओवर एट द फॉलोइंग प्राइसेस: बिल्डिंग 44,000, मशीनरी 22,000, डेटा 28,000, स्टॉक 24,000, गुडविल 8,000। अब सीधी बात है, जब गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई होती है, तो अगर गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है, मतलब नेट एसेट में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब पीसी में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगा। द कंपनी एग्रीड टू पे ₹40,000 इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे ध्यान दो, ₹40,000। कभी कभी 40,000 शेयर्स होता है, कभी कभी 40,000 रुपीज होता है। यहाँ पे रुपीज है, ₹40,000 इन शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश मतलब पीसी में एक अमाउंट मिसिंग है, क्योंकि मैंने बताया गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है। शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। ड्राफ्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड सेट आउट नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इन लोगों ने जो पूछा है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री एंड सेट आउट नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर का नाम अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बिजनेस परचेज नहीं किया, हमने बिजनेस सेल किया। बिजनेस परचेज कौन करता है? न्यू कंपनी। ये जो लिखा है ना, न्यूली स्टार्टेड कंपनी, तो जो चैप्टर का नाम है वो अलग बात है, और जो अंदर क्वेश्चन पूछा है वो अलग बात है। चैप्टर का नाम है बिजनेस एक्विजिशन, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स किसकी बुक में पूछे हैं? जिसने बिजनेस सेल किया है, सिमी और सनी, उनके अकाउंट्स पूछे हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म मतलब पुरानी पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे वी आर परचेजर नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे को चेंज करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी आर सेलर और वेंडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब वी आर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, हम एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, और हमारी फर्म का नाम मैं रख देता हूँ मैसर्स सिमी एंड सनी। मैसर्स सिमी एंड समी, सिमी एंड सनी पार्टनरशिप फर्म हम हैं, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। और अपोजिट पर्सन जो है वो परचेदर या परचेदर है, मतलब जो न्यू कंपनी है वो अपोजिट पर्सन है। इस क्वेश्चन में परचेदर जो न्यू कंपनी है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, न्यूली क्रिएटेड कंपनी का, वो अपोजिट पर्सन है। हाँ, नेट एसेट्स वगैरह मेरे को सारे कैलकुलेट में करूंगा ही, जैसे बिजनेस एक्विजिशन में करते हैं, बट एक्चुअली ये अमालगमेशन चैप्टर के रूल्स इस क्वेश्चन में आ गए सारे। अमालगमेशन चैप्टर टीवाई में आता है, और उसमें बताते हैं कि जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है उसके भी अकाउंट्स बनाओ, और जो कंपनी अपना बिजनेस खरीद रही है उसके भी अकाउंट्स बनाओ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, आगे तो हम लोग इस क्वेश्चन में वेंडर या सेलर है, मैसर्स सिमी एंड सनी पार्टनरशिप फर्म। तो मैं जैसे हमेशा एडजस्टमेंट से शुरू करता हूँ, इस क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट से शुरू करता हूँ। द कंपनी टोक ओवर एसेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू कंपनी जो है ना उसने सिर्फ एसेट्स ही खरीदे, मतलब लायबिलिटीज नहीं खरीदे, ठीक है। टोक ओवर ओनली एसेट्स, ये मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, हेयर द न्यू कंपनी हैज टेकन ओवर ओनली एसेट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। हेयर द न्यू कंपनी हैज टेकन ओनली द एसेट्स ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, मतलब लायबिलिटीज टेकन ओवर नहीं है। और एसेट्स में भी है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, बिल्डिंग 44, मशीनरी 22। ये मैं लिखना शुरू करता हूँ, मेरा ब्लैंक फॉर्मेट तो बनाया हुआ है, बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग न्यू कंपनी ने लिया 44,000 में, मशीनरी न्यू कंपनी ने लिया 22,000 में। अब ध्यान रहे, ओल्ड बैलेंस शीट में ना बिल्डिंग दिया हुआ था 42, और ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ था 6,000। ये दोनों 42,000 कॉस्ट प्राइस और 6,000 डेप्रिसिएशन, ये दोनों काम के नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू दी हुई है 44,000। एक बार अगर मार्केट वैल्यू दी हुई है तो ये 42,000 भी काम का नहीं है, ये 6,000 भी काम का नहीं है। तो मैंने बिल्डिंग लिख दिया,
44,000, मशीनरी लिख दिया 22,000, स्टेटस स्टॉक गुडविल 28,248, 28,248, 28,248, डेटर स्टॉक गुडविल। तो डेटर्स स्टॉक गुडविल ये तीनों मैंने लिख दिए एसेट्स में। ओके ये गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है, आप बोल सकते हो न्यू वैल्यू या मार्केट वैल्यू गुडविल की दी हुई है। अब एक बार अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई होती है तो इसको हम लोग नेट एसेट मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग नेट एसेट मेथड बोलते हैं। और इसमें परचेस कंसिडरेशन में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होती है। आगे फिर आपको लिखा है द कंपनी एग्रीड टू पे ₹40,000 इन शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये पीसी में आएगा, ये परचेस कंसिडरेशन के अंदर आएगा, नेट एसेट हो गया परचेस कंसिडरेशन। अब न्यू कंपनी जो है उसने ₹40,000 के इक्विटी शेयर्स दिए, तो मैं यहाँ पे वन नंबर करके लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से मैं लिखूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हम ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 4,000 शेयर ऑफ ₹10 each, 40,000। आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द बैलेंस इन कैश, बैलेंस इन कैश के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट्स का टोटल करना पड़ेगा। ये जो नेट एसेट्स हैं हमारे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में टेकन ओवर नहीं है तो लाइबिलिटी जीरो आएगा। तो यहाँ पे जितना भी नेट एसेट्स आएगा, ये जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी वो अमाउंट मैं बीसी के टोटल में लेके जाऊंगा यहाँ पे, और इस अमाउंट में से मैं ₹40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर दूंगा बाद में, अभी नहीं। तो रिमेनिंग जितना भी अमाउंट आएगा वो मैं लिखूंगा कैश, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो न्यू कंपनी ने पे किया इन फॉर्म ऑफ कैश। तो उसके लिए मेरे को पहले एसेट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में से क्या क्या रहेगा। ओके, शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश। ये लाइन पढ़ के ही मुझे पता चल गया था कि न्यू कंपनी के अकाउंट्स ये लोग नहीं पूछेंगे। ये लाइन जो दी हुई ना, शेयर्स वर डिवाइडेड बाय द डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, ये तो ओल्ड पार्टनरशिप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, ये सारी ओल्ड पार्टनरशिप की इन्फॉर्मेशन है। अगर न्यू कंपनी के अकाउंट बनाने उतना इस क्वेश्चन में तो ये सब नहीं देते कि शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री देन सेट आउट नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। खैर मैं एसेट साइड पे चेक करूंगा कि क्या क्या रह गया, बिल्डिंग मार्केट वैल्यू दी हुई है, मशीनरी मार्केट वैल्यू दी हुई है, डेटर्स मार्केट वैल्यू दी हुई है, स्टॉक मार्केट वैल्यू दी हुई है, कैश 4,000, कैश 4,000 न्यू कंपनी टेक ओवर करेगी, हाँ द कंपनी टेक्स ओवर एसेट्स एट फॉलोइंग प्राइसेस। अब कैश जो है 4,000 वो न्यू कंपनी टेक ओवर करेगी, तो मेरे हिसाब से हाँ टेक ओवर करेगी, न्यू कंपनी विल टेक ओवर कैश 4,000 मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई नहीं है, तो मेरे हिसाब से न्यू कंपनी को कैश टेक ओवर करना चाहिए। अब टेक्सटबुक वालों ने कैश टेक ओवर नहीं किया है, यहाँ पे एसेट्स में कैश नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था द कंपनी टुक ओवर एसेट्स, अब जब भी ऐसा लिखा हुआ था द कंपनी टुक ओवर एसेट्स, तो एक्चुअली ये जो एसेट है कैश 4,000 ये नेट एसेट में आना चाहिए, पर बुक वालों ने नहीं लिखा है, बुक वालों ने यहाँ पे कैश टेक ओवर नहीं किया है, तो मैं लिख देता हूँ जीरो, ज्यादा आपकी बुक वालों ने किया है, मैं भी वैसे करता हूँ, कैश इन हैंड या कैश ऑन हैंड या कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस जो है, वैसे अगर एसेट्स टेक ओवर करती है न्यू कंपनी तो कैश भी टेक ओवर करती है, पर यहाँ पे कैश जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक कैश इज नॉट टेकन ओवर, कैश टेकन ओवर नहीं है, तो मैंने कैश जीरो लिख दिया। इसके भी पीछे बहुत आगे चल के रूल्स चेंज होंगे बहुत सारे, सुनते जाओ। अब लाइबिलिटीज में तो बोला ही नहीं था टेकन ओवर, कैपिटल वैसे भी नॉट टेकन ओवर होता है, क्रेडिटर्स 50,000 वैसे नॉर्मली क्रेडिटर्स टेकन ओवर होता है, वैसे नॉर्मली क्रेडिटर्स टेकन ओवर होता है, बट इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज के लिए कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे लिखा है कंपनी टेक ओवर एसेट्स, तो हम क्रेडिटर्स को टेक ओवर नहीं करेंगे। तो मैं दो छोटे छोटे क्रॉस लगा देता हूँ, यदि आपको याद रहे कि यहाँ पे कंपनी क्या क्या नहीं लेके गई, तो ये कंपनी कैश नहीं लेके गई, और कंपनी क्या नहीं लेके गई, न्यू कंपनी नॉट टेकन ओवर, क्रेडिटर्स कैश और क्रेडिटर्स न्यू कंपनी नहीं लेके गए, तो मैंने छोटा सा क्रॉस लगा दिया, ये आगे चल के अकाउंट्स बनाने में काम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, पहले पहले मैं आपको एक पॉइंट ये वाली खत्म करूं तो फिर आगे दूसरी दूसरी बातें बताते जाऊं। सबसे पहले एसेट्स का टोटल करते हैं,
एसेट्स का टोटल मेरे हिसाब से 1,26,000 आएगा, फिर भी करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं एसेट्स का टोटल करता हूँ इक्वल टू सम 44, 22, 28, 24, 08। तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 1,26,000। लाइबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स है या दूसरी जो भी लाइबिलिटीज हो वो नॉट टेकन ओवर है, नॉट टेकन ओवर, ठीक है। तो क्रेडिटर्स या दूसरी लाइबिलिटीज जीरो हो जाएगी। अब एसेट्स का टोटल है 1,26,000, उसमें लाइबिलिटीज का टोटल जीरो है। तो यहाँ पे कौन सा एसेट्स और लाइबिलिटीज आता है नेट एसेट में? यहाँ पे नेट एसेट में वो सब एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं जो टेकन ओवर हो, नॉट टेकन ओवर वाले नहीं आते। तो न्यू कंपनी क्या क्या लेके गई वो लिखने का, न्यू कंपनी बिल्डिंग लेके गई, मशीन लेके गई, डेटर्स लेके गई, स्टॉक लेके गई, गुडविल, न्यू कंपनी ने हमको गुडविल का पैसा दिया, कैश नॉट टेकन ओवर है तो मैंने जीरो लिखा, क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर है तो मैंने जीरो लिखा। अब एसेट्स के टोटल में थे, लाइबिलिटीज का टोटल माइनस किया तो नेट एसेट आ गया 1,26,000। यही 1,26,000 हम लोग बीसी के टोटल में लिखेंगे, 1,26,000। इस 1,26,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 1,26,000 - 40, तो रिमेनिंग कैश आएगा 86,000, ठीक है। तो न्यू कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन पे करेगी उसमें 40,000 के इक्विटी शेयर्स हैं और 86,000 का कैश बैलेंस है, ठीक है। इतना हो गया गुडविल या कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं होगा। स्टेप थ्री होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टेप थ्री विल नॉट बी डन एज द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन इन क्वेश्चन। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 8,000 रुपए दिया हुआ था। तो स्टेप थ्री होता है आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसमें जीपीएन होता है, जी पी एन मतलब गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स, ये फॉर्मूला होता है। बट इस क्वेश्चन में गुडविल फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड कर दूंगा। इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जर्नल एंट्री अकाउंट्स वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इतना मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एक पीसी और नेट एसेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, ये स्क्रॉल कर देता हूँ। इतना लिख लेना अच्छे से, बाकी जो जर्नल एंट्रीज वगैरह है अकाउंट्स वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। इतना लिख लो पहले सम्स वाले पेजेस।